एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी मंजू के साथ रहता था। मंजू को समोसा खाने का बहुत ही शौक था और वो अपने पति गोपाल से हर समय समोसा मंगवाती रहती थी, जिस वजह से उसका पति गोपाल भी बहुत ज्यादा दुखी रहता था, क्योंकि गोपाल की इतनी इनकम नहीं थी जितना मंजू समोसा खा लेती थी। एक बार की बात है, गोपाल काम पर जा रहा होता है तो मंजू गोपाल से समोसा लाने के लिए कहती है। इस पर गोपाल अपनी पत्नी मंजू से कहता है, अरे तुम हमेशा समोसा मंगवाते रहते हो, जबकि तुम्हें ये देखना चाहिए कि हमारा बजट इतना नहीं है। कभी कभार की बात अलग है, पर तुम तो रोजाना ही समोसे खाती हो। अरे अब क्या आप मुझे समोसा भी नहीं खिला सकते हैं क्या? आप मुझे खाना मत दीजिए, पर मुझे समोसा जरूर दें, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे समोसा खाना कितना अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें समोसा खाना बहुत अच्छा लगता है, पर तुम्हें भी सोचना चाहिए कि यदि तुम इतने समोसे खाओगे तो तुम बीमार भी हो जाओगी। वैसे भी समोसे ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, आप बस मेरे लिए समोसे ले आना। आप हमेशा कंजूसी दिखाते रहते हैं। अरे मैं कंजूसी नहीं दिखाता हूँ, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात करता हूँ, पर यदि तुम्हें नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। और ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है और फिर मंजू अपने काम में लग जाती है। मंजू रोजाना गोपाल से समोसे मंगाया करती थी और उसकी ये बात पूरे गांव में पता थी कि मंजू को समोसा खाना कितना अच्छा लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ मंजू का समोसे खाने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। वो रोजाना समोसे खाया करती थी। एक बार की बात है, मंजू रात के समय सो रही थी, तभी उसके सपने में एक जादुई समोसा का घर आता है और वो उस समोसे के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन मंजू उठती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आज मेरे लिए समोसा ले आना, क्योंकि आज रात मैंने सपने में समोसे का बहुत बड़ा घर देखा था। वो बहुत ही बड़ा समोसे का घर था, काश हमारे पास भी समोसे का घर होता तो मेरे तो मजे ही आ जाते। तुम हमेशा समोसे ही खाने की सोचना, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊँगा। और ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है और वो शाम को समोसा लेकर आता है और समोसा लाकर मंजू को दे देता है। समोसा देखकर मंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और समोसा खाने लगती है, पर वो एक समोसा छोड़ देती है और सोचती है कि सुबह खा लूंगी। अगले दिन सुबह जब मंजू उठती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में एक बहुत बड़ा समोसे का घर होता है और मंजू को अपना सपना याद आ जाता है और वो अपने पति को बुलाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, इधर आइए, जल्दी देखिए हमारे घर में क्या हो गया। मंजू की आवाज़ सुनकर गोपाल वहाँ पर तेजी से आता है और समोसे का घर देखकर मंजू से कहता है, अरे ये तो समोसे का घर है, ये बड़ा कैसे हो गया? मैं तो छोटे छोटे समोसे लाया था, तो फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, लगता है मेरा सपना सच हो गया। अब मुझे कोई भी समोसा खाने से नहीं रोक पाएगा, ना ही आप कुछ कह पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास इतना बड़ा समोसे का घर जो है। और इसके बाद जब मंजू उस समोसे के घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे समोसे रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर मंजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनको खाने लगती है। अब तो मंजू को किसी भी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे समोसे थे। एक दिन मंजू अपनी सहेली मीना और रीमा को घर पर बुलाती है और उन्हें अपने जादुई समोसे का घर दिखाती है। जादुई समोसे का घर देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और मंजू से मीना कहती है, अरे मंजू तुम्हारे घर पर तो बहुत बड़ा समोसे का घर है, तुम्हें तो कहीं समोसे लेने भी नहीं जाना पड़ता होगा। हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो, मैं तो रोजाना समोसे ही खाती हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे समोसे कितने अच्छे लगते हैं। हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो, तुम्हारे घर पर तो बहुत बड़ा समोसे का घर है, पर क्या तुम रोजाना समोसे खा खा कर बोर नहीं होती हो? नहीं मुझे तो समोसे खाना बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं तुम लोगों के लिए भी समोसे ले आती हूँ, ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट हैं।
और ये कहकर मंजू उन दोनों के लिए भी समोसा ले आती है और फिर वो दोनों समोसा खाने लगती है और काफी देर बातें करती रहती है। इसके बाद मीना मंजू से कहती है, मंजू मुझे एक बात बताओ, ये जादुई समोसे का घर तुम्हें कहाँ मिल गया? पता नहीं यार, मैंने तो ऐसा घर सपने में देखा था और अगले दिन ये मेरे घर पर आ गया। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, बस मुझे इतना पता है कि अब मुझे कोई भी समोसा खाने से नहीं रोकेगा। इसके बाद वो सभी काफी देर बात करती रहती है और फिर मीना और रीमा वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद मंजू अपने घर की साफ सफाई करती है और खुश होकर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ अब मंजू को रोजाना समोसे ही खाने पड़ते थे, जिस वजह से अब मंजू का मन समोसे से हट गया था और अब वो समोसा नहीं खाना चाहती थी। और एक दिन की बात है, गोपाल खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर मंजू आ जाती है और गोपाल से कहती है, अजी सुनो, अब मैं समोसे और नहीं खा सकती हूँ। इस समोसे के घर को घर से बाहर निकाल दो, अब मैं इसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें तो समोसे खाना बहुत अच्छा लगता था, तुम तो रोजाना मुझसे समोसे मंगवाया करती थी, फिर आखिर अब तुम समोसे क्यों नहीं खाना चाहती हो? क्योंकि मैं रोज रोज समोसे खाकर बोर हो गई हूँ और अब मुझे समोसे नहीं खाने हैं, मुझे सादा खाना खाना है। आप इस समोसे के घर को घर से बाहर निकाल दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। और ये कहकर मंजू एक डंडा उठाती है और जादुई समोसे के घर को डंडा मारने लगती है और डंडा मारने से वो जादुई समोसा का घर टूट जाता है और छोटे से समोसे में बदल जाता है। इसके बाद मंजू उस छोटे से समोसे को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर गोपाल बहुत खुश होता है और मंजू से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें समझ में आ गया कि यदि कोई चीज ज्यादा खाई जाए तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि तुम समोसे ज्यादा मत खाया करो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कोई भी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बस हिसाब से ही खानी चाहिए। अब मैं समोसे कभी भी नहीं खाऊंगी। ये सुनकर गोपाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मंजू भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे जादुई समोसा के घर से छुटकारा मिला और अब उसने समोसा खाना भी छोड़ दिया। अब वो दोनों खुश होकर अपना सादा जीवन बिताने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। समुद्र किनारे बसे मुंबई शहर के एक आलीशान घर में दो बहनें रंगोली और दीपा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनके पिता मुकेश कुमार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ सुगंधा हाउसवाइफ थी। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, खुशियों से भरी उनकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन शॉपिंग करके लौटते समय सुगंधा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अचानक इस तरह माँ सुगंधा की मृत्यु से दोनों मासूम बहनें रंगोली और दीपा अक्सर रोती रहती। वहीं उनके पिता मुकेश भी अपनी पत्नी की अकस्मात मृत्यु से अंदर ही अंदर काफी टूट गए। लेकिन अपनी दोनों बेटियों की खातिर उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। अब मुकेश के ऊपर दोनों बेटियों की सारी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसे घर और बिजनेस एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अक्सर अपनी स्वर्गवासी पत्नी सुगंधा की याद और घर की चिंता में शराब पीने लगा। एक दिन की बात है, मुकेश की मौसी कल्याणी उससे मिलने आई और बोली, बेटा होने को कौन टाल सकता है, जो होना था सो हो गया। तुम अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारी दो बेटियां भी तो है, उन्हें भी तो कोई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। मेरी मानो, तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटियों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी और तुम अपना बिजनेस अच्छे से संभाल पाओगे। मौसी के बार बार समझाने पर मुकेश दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया और अंगूरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अंगूरी बहुत चालाक और लालची औरत थी। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मुकेश से शादी की थी। उसे ना तो मुकेश से कोई लगाव था, ना ही उसकी दोनों बेटियों से।
वो बस उनके संग प्यार का ढोंग किया करती थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया और फिर एक दिन। अच्छा अंगूरी, मैं 2-4 दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम रंगोली और दीपा बिटिया का ध्यान रखना। आप कितना काम करते हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको? सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है। अरे मैं अपने दोनों बेटियों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आखिरकार मुझे अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश अपना बैग लेकर वहाँ से चला गया। ये देख अंगूरी मन ही मन बोली, जब देखो अपनी बेटियों की माला जपता रहता है, इसके सिवाय ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता। जितनी मेहनत करनी है कर ले, आगे वक्त ही बताएगा कि तेरी दोनों बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है, तेरी दौलत या फिर दर दर के ठोकरे। मैं तेरी दोनों बेटियों का क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए अंगूरी हंसने लगी। तभी रंगोली और दीपा उनके पास आई और बोली, माँ हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दे दो ना। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या जो तुझे खाना निकाल कर दूँ? तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ आपको ये क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हारे बाप से मैंने शादी कर ली। तुम सब ने मिलकर मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, समझी? जाओ तुम दोनों, यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे 1 घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई चाहिए, और हाँ मेरे लिए गर्मा गर्म 1 कप चाय भी बना कर लाओ। बेचारी रंगोली और दीपा अपनी सौतेली माँ का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गई। दोनों डरी सहमी घर का काम करने लगी। दीदी माँ को क्या हो गया है, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे भी नहीं पता दीपा, लेकिन हमें पिताजी के आने तक माँ की सारी बात माननी होगी। उसके बाद रंगोली अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले गई और बोली, माँ ये लीजिए आपकी चाय। अंगूरी चाय पीते हुए गुस्से से बोली, छी कितनी गंदी चाय बनाई है, करम जली ये चाय तो कड़वी है, दूर हो जा मेरी नजरों से, सत्यानाश हो तेरा, मेरे मुँह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, अब मेरा मुँह क्या देख रही है, जाकर झूठे बर्तन साफ कर। इस तरह अंगूरी दोनों बहनों पर दिन रात अत्याचार करने लगी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। और मुकेश भी अब घर वापस लौट आया और अपने दोनों बेटियों को नौकरानी की तरह घर का काम करते देख गुस्से से लाल होते हुए बोला, अंगूरी कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों बच्चियों से घर का काम करवाने की? तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आवाज नीचे करके बात करो, कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़े। ये बात सुन मुकेश गुस्से से जैसे ही थप्पड़ मारने अंगूरी की तरफ बढ़ा, तभी अंगूरी मुकेश का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं, लेकिन अब तुम लोगों के इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये घर मेरा है। ये घर और प्रॉपर्टी पहले तुम्हारी थी, अब सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने बाहर जाने से 1 दिन पहले नशे की हालत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं। इतना बड़ा धोखा, फिर भी औरत तूने मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मुकेश गुस्से से अंगूरी की तरफ बढ़ा, तभी अंगूरी ने जोर से धक्का देकर मुकेश को जमीन पर गिरा दिया। ये देख रंगोली और दीपा अपने पिता को संभालते हुए बोली, पिताजी आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बिटिया, चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं और रहने की कोई जगह ढूंढते हैं। इतना कहकर मुकेश अपनी दोनों बेटियों के संग यहाँ वहाँ भटकने लगा, लेकिन मुकेश घर और प्रॉपर्टी छिन जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक चलते चलते उसे दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान जी
आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुलाया? ना ही आप उन्हें बुलाते, ना ही सौतेली माँ आती और ना ही हमारी ये हालत होती। और तो और, पिताजी को भी आपने हमसे छीन लिया। हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? जैसे आपने हमारे माता पिता को अपने पास बुला लिया, वैसे ही हमें भी अपने पास बुला लो। ये कहते हुए रंगोली अपनी छोटी बहन दीपा के साथ घने जंगल के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी। ये देख रंगोली बोली, अरे बीच में ये सीढ़ी कहाँ से आ गई? आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है। लगता है हमें इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें इस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? डरो नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रंगोली अपनी बहन दीपा के संग उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों की दुनिया में पहुंच गई। तभी उन्हें वहां तीन जादुई फ्रॉग घर दिखाई दिए, जिसे देख दीपा हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, यहां तो तीन फ्रॉग घर है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तभी पहले जादुई फ्रॉग घर से आवाज आई, रंगोली और दीपा तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तुम्हें यहाँ बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो। इतने में दूसरे जादुई फ्रॉग घर में से आवाज आई, नहीं नहीं दीपा और रंगोली, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात दूंगी, जिसे पाकर तुम अपनी जिंदगी एक महारानी की तरह जी सकती हो। सोच क्या रही हो, जल्दी आओ। फिर तीसरे जादुई फ्रॉग घर में से आवाज आई, रंगोली और दीपा तुम्हें मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, जो बरसों से बहुत बीमार है और वो ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हैं जो उनकी सेवा कर सके। तो तुम मेरे घर में आ जाओ ना और बूढ़ी अम्मा की मदद करो। तीनों जादुई फ्रॉग घर की बात सुन दोनों बहनें सोच में पड़ गई, फिर बोली, ये जादुई तीसरे फ्रॉग घर, मैं आपके घर में आना चाहती हूँ, क्योंकि उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है और माँ से बढ़कर सोना चांदी हीरे जवाहरात का कोई मोल नहीं, इसलिए हम आपके घर में आएंगे और बूढ़ी अम्मा की सेवा करेंगे। इतना कहकर रंगोली और दीपा खुशी खुशी जादुई तीसरे फ्रॉग घर में चली गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों बहनें चौंक गई, क्योंकि घर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी हीरे जेवरात से भरा हुआ था। ये देख रंगोली बोली, हे जादुई फ्रॉग घर, आपने तो कहा था यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, लेकिन यहाँ तो सोना चांदी हीरे जवाहरात है, पर बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप उन्हें बुला दीजिए ना, हम उनकी सेवा करेंगे। आप देखना, हम उनकी इतनी अच्छी सेवा करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और बोली, ये तीनों जादुई फ्रॉग घर मेरे हैं। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में सफल रही। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये जादुई फ्रॉग का घर अब से तुम्हारा हुआ। जादुई फ्रॉग घर तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा और तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रंगोली और दीपा परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई फ्रॉग घर को लेकर वापस पृथ्वी लोक लौट आई। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों जादुई फ्रॉग घर में हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रंगोली और दीपा अपनी कार से उतरकर जूस पी रहे थे। तभी उसे रास्ते से जा रही अंगूरी ने उन्हें देख लिया। अरे ये दोनों मनुष्य यहाँ क्या कर रही हैं? और इनके पास इतनी बड़ी कार, महंगे महंगे कपड़े आए कहाँ से? आखिर इतने सारे पैसे इनके पास आए कहाँ से? मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद अंगूरी उनका पीछा करने लगी और उन दोनों बहनों को जादुई फ्रॉग घर के अंदर जाते हुए देख लिया। फिर चोरी छिपे खिड़की से अंदर झांकने लगी। तभी रंगोली जादुई फ्रॉग घर से बोली, हे जादुई फ्रॉग घर, आज हम बाहर घूमने गए थे तो हमने देखा हमारे जैसे लाचार और अनाथ बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे थे। हमें उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे चाहिए।
रंगोली के इतना कहते ही जादुई फ्रॉग घर से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। खिड़की से ये सब देख रही अंगूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, तो ये सब इस जादुई फ्रॉग घर का कमाल है। इस जादुई फ्रॉग घर को मुझे अपने कब्जे में करना होगा, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद रंगोली और दीपा के बाहर जाते ही अंगूरी ने जैसे ही उस जादुई फ्रॉग घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तब जादुई फ्रॉग घर ने अपनी शक्ति से अंगूरी को बंदरिया बना दिया और वो सदा के लिए जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह अंगूरी को उसके लालच और करने का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर रंगोली और दीपा हंसी खुशी जादुई फ्रॉग घर में अपना जीवन बिताने लगी।